फैज यूनानी का यूनिका हेयर ऑयल खालिस जड़ी बूटियों और असली खोपरे के तेल में तैयार किया गया है। इसमें कोई किस्म का आर्टिफिशियल कलर और परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बालों को सफेद होने से रोककर बालों को सियाह करता है, बालों की खुश्की को दूर करता है, बालों को गिरने से रोकता है, झड़ते बालों को रोककर बालों को लंबा और मजबूत बनाता है, दिमाग को कुव्वत और ठंडक पहुँचाता है, बालों की कुदरती चमक बरकरार रखता है, बिनाई को कुव्वत देता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से बालों की कुदरती निगहदाश्त होती है। यूनिका हेयर ऑयल बनाने वाले फैज यूनानी, एतबार चौक, हैदराबाद। नाजरीन आदाब, A1 टीवी उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। उर्दू अखबार आफ्ताबे दक्कन को पढ़िए, हमारे उर्दू न्यूज को यूट्यूब पर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाकर उर्दू के फरोग में हिस्सा लीजिए और 744 पर आप अपने घर में टीवी में भी इसे देख सकते हैं। ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से रायचूर के शाहीन बाग में CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज। ऑटो ड्राइवर्स की मुख्तलिफ एसोसिएशनों ने आज शाहीन बाग में काले कानून CAA, NRC, NPR के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। रायचूर के शाहीन बाग में आज सुबह ता शाम ऑटो ड्राइवर्स के यूनियन संजीविनी ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन, जय भीम ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन, माइनॉरिटी ऑटो ड्राइवर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी और आजाद ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन ने इस एहतजाज में हिस्सा लेते हुए CAA, NRC, NPR की मुखालिफत की। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स कायदीन ने कहा कि हुकूमत को अवाम की भलाई के लिए काम करना चाहिए, मगर हुकूमत CAA, NRC और NPR में अवाम को उलझाकर अवाम की मुश्किलात बढ़ा रही है, जिससे मुल्क में कारोबार ठप पड़ गए हैं। इस मौके पर कायदीन सैयद बादशाह खादरी, मोहम्मद महबूब आलम और कई ऑटो ड्राइवर्स भी मौजूद थे। अगर मुसलमान अलग हो गए तो एक आंख कमजोर हो जाएगी हमारी, तो इस बात के तहत हमारे कई पुरख, हमारे दादा परदादा ने फैसला लिया कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसी धरती पर जन्म लिए हैं, हम हिंदुस्तान छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में जिएंगे, हम हिंदुस्तान में मरेंगे। ये हमारे ऐलान कर दिए, जो भागे हिंदुस्तान को छोड़ के वो भगवान से हमको कुछ लेना देना नहीं है। जो हिंदुस्तान छोड़ के चले गए वो उनकी जगह पर हम हमारी जगह पे, और आज भी आप हर सुबह शाम इमरान खान पाकिस्तान का गाना मत गाइए, हिंदू मुसलमान पे सियासत मत कीजिए आप, और ऐसे नत्थू राम भोसले के सर के हथियारों को आप बनाओ मत कीजिए, उनको पैदा मत कीजिए। ये हिंदुस्तान आजादी में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। ऐसे कितने अच्छे अच्छे हमारे हिंदुस्तान के नज़म और हिंदुस्तान को बात कहते हैं, उनको भी हिटलर के नाम से जाना जाएगा। तो अब ये झूठी सियासत, ये झूठी सियासत हिंदू मुस्लिम के नाम पर फसादत, ये भयानक इंतशार बयान, इन बयानों को आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ के आप ये भयानक बयान, इंतशार बयान तो बोल बोल के दिल्ली के इलेक्शन में अमित शाह साहब ने कहा आप बटन दबाओगे तो उसका झटका शाहीन बाग में लगेगा। तो मैं मजीद ये बताना चाह रहा हूँ, अमित शाह साहब झटका तो आपको BJP को लग गया, केजरीवाल अपनी झाड़ू से झाड़ दिया, आज वो तीसरी बार शपथ लेने जा रहा है। अरे हिंदुस्तान को मोहब्बत और प्यार और शफ़क़त
हिंदुस्तान की तरक्की करने वालों की, लीडरों की हमको जरूरत है। इनके शार बयान देकर, नत्थूराम घोसले के सर के हत्यारों को बढ़ावा देकर, गोली मारो सालों को ऐसे बयाना देकर, जो नौजवानों को हिंदुस्तान के हाथ में बंदूक थमाकर गोली जगह जगह पर फायर कर रहे हैं, ये क्या साबित करना चाह रहे हैं आप हमारे भारत देश में? ऐसा नहीं चलेगा। हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत की बात करते हैं हमेशा। तुम ना पाकिस्तान की बात करो, ना अफगानिस्तान की बात करो, ना बांग्लादेश की बात करो, तुम हमारी फिक्र करो, हमसे प्यार करो, हम जो पूछते हैं वो हमको दो। आज हिंदुस्तान के लोग बहुत परेशान हैं, रोजगारी नहीं है, और कहते हैं हमने गुजरात को ऐसा बना दिया वैसा बना दिया। इतने गुजराती, यूपी के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग हमारे कर्नाटक में मौजूद है, वहाँ पर रोटी रोजगार मैसर नहीं है। वो हमारे कर्नाटक में आकर आइसक्रीम बेच रहे हैं, पानी पूरी बेच रहे हैं, कचौरी बेच रहे हैं। वहाँ पर कोई नौकरी लगाने वाला नहीं है, उनको रोजगार नहीं है। हिंदुस्तान में हमारा कर्नाटक बहुत अच्छा है, और मैं मजीद ये कहना चाह रहा हूँ आपको, आप ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, इंसान की औलाद है, इंसान बनो। हम इंसानों से प्यार करो, हमारी बात को समझो, और शाहीन बाग वालों से जाकर आप बात करो, बात करके हमारे मसले को हल करो। ये काला कानून आप हटा दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आमीन, आवाज दो, आमीन। बोलो बाबा अंबेडकर साहेब की, बोलो महात्मा गांधी की, बोलो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, जय।